नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन योग के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त को 10:30 से 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। वो अपनी प्रिय राशि सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर करें, जो बुध की राशि है और मंगल बुध के शत्रु ग्रह हैं। और कैसा रहेगा आपके लिए वृषभ राशि वालों, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए बताने वाला हूँ कि मंगल का ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आप चार्ट में समझ लें, जन्म कुंडली के जहाँ पर 2 अंक है वो आपकी राशि है वृषभ राशि। और वृषभ राशि से 5वें भाव में जहाँ 6 अंक है वहाँ पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह। पहले वो आपके सुख भाव में थे और अब वो आपके ज्ञान भाव में चलेंगे, भावनाओं के प्रेम भाव में चलेंगे, संतान भाव में चलेंगे। तो यहाँ पर संतान का योग भी बनता है आपका, लेकिन आपने मंगल के दान करवाने, क्योंकि मंगल गर्भ को क्षीण भी करता है। जिनके संतान गर्भ जिन्होंने धारण कर रखे हैं उनके लिए मंगल ग्रह यहाँ पर थोड़ा सी गर्मी देंगे, शरीर में भी बढ़ सकता है आपका। लेकिन अगर आप मंगल के दान करेंगे संतान के लिए ठीक है, संतान का योग भी मंगल ग्रह यहाँ पर बनाते हैं। और साथ में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, अगर वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि मंगल ग्रह की जो है 8वीं दृष्टि 12वें भवन पर पड़ती है। और 12वें भवन पर पढ़ने से यानी बाहर जाने का, अगर आप घर से बाहर निकल के पढ़ाई करने शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा मंगल ग्रह अगर आप अपने को भोग विलासिताओं में नहीं लगाते हैं, अगर आप अपना माइंड आपने ध्यान पढ़ाई में लगा रखा था तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह पंचम में बैठ करके आपको चंचल भी बनाएंगे, आपका मन धन धन के प्रति भी खिंचा पड़े जाएगा, धन के प्रति आपका शौक बढ़ेगा विद्यार्थियों के लिए, और साथ में भोग विलासिता के लिए भी, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी। तो यहाँ पर प्रेम जो प्रेम प्रेम लव लाइफ वालों के लिए तो ठीक है, पंचम में मंगल ग्रह आपके लिए ठीक बनते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके 3रे भाव में है तो इसलिए यहाँ पर बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो पड़ती है आपके अष्टम भाव पर, तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी यहाँ पर दिखती है, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति से मंगल ग्रह 6-8 का संबंध बनाते, साथ में शनि ग्रह से भी 6-8 का संबंध बन रहा है। और मंगल ग्रह की जो जिन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं वो है सूर्य के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र। तो मंगल जब सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम रहेगी, तेज व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होगा। और जब चंद्रमा में थोड़ा करुणा भी दया भी रहेगी, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं करुणा दया वाले भी हैं, और साथ में ऊर्जावान जब मंगल अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी। तो यहाँ पर रक्त विकार की समस्याएँ आएंगी, मन चिड़चिड़ा होगा, भावनाओं में उलट फेर होगा, मानसिक तनाव भी रहेगा। और छाती समस्या, छाती के जो भाग होता है छाती का भाग, उसमें पेन की हल्की फुल्की दिक्कतें भी रह सकती हैं। जो बीमार हैं उनके लिए थोड़ा सी संकट की घड़ी है, जो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी मंगल यहाँ पर देंगे। और साथ में लाभ की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से बढ़िया है आपके लिए, लाभ के अवसर देंगे आप, जहाँ आपको लाभ दिखेगा आप खींचे चले जाएंगे, और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको दिलाएंगे, नौकरियों में फायदा दिलाएंगे, और खर्चा भी मंगल ग्रह यहाँ पर अधिक आपका करेंगे। आपने वाहन को थोड़ा सोच समझ के चलाना इस दौरान, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी भी सोच समझ करके खरीदें, धन को न लगाएं एकदम बिना विचारे, विचार करके ही आपने अपने पैसे को लगाना है। तो ये आप सोच समझ कर, विल पावर तो आपके अंदर बहुत रहेगी, ऊर्जा बहुत रहेगी, पंचम में मंगल है तो ऊर्जा तो व्यक्ति के अंदर रहेगी, और भाग्य का साथ भी आपको मिले। लेकिन जब शनि का कर्म के मालिक हैं शनि ग्रह, उनके साथ 6-8 का संबंध है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको कर्मों में बदलाव का भी योग बनेगा, अचानक आपके अंदर गुस्सा आएगा, आप छोड़ के आ जाएंगे नौकरी, तो ऐसा नहीं करना, धैर्य रखना अपने अंदर। और साथ में ज्ञान के जो देवता है, धन के जो देवता है, संतान के जो भगवान है बृहस्पति, वहाँ से भी 6-8 का संबंध बन रहा है, क्योंकि देवा गुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, लोग 12वें हैं और वहाँ से 6-8 का संबंध बन रहा है। तो यहाँ भी ज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप सोच विचारे काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी।
मंगल ग्रह पंचम में बैठ करके आपके लिए प्रेम के लिए ठीक है, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए ठीक है, जो सेना में हैं, जो इंजीनियर हैं, जो आईटी सेक्टर में हैं, इनके लिए इनके अंदर भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये परिवर्तन इतना अच्छा नहीं मान सकता मैं, थोड़ा सी पंचम में बैठ करके यही रहेगी, ऊर्जा आपके अंदर अधिक रहेगी, आलस्य कम रहेगा। आप उपाय कर लीजिए, उपाय आप करेंगे, आप मंगल के उपाय करें, मंगल का दान करें, और साथ में मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल बुध की राशि में गए हैं तो इतना सबके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम राशि में, थोड़ा थोड़ा सबके लिए अच्छा होगा, थोड़ा थोड़ा सबके लिए दिक्कत कारक रहेगा ये गोचर। तो प्रिय दर्शकों, आपके लिए धन के लिए ठीक है, सुकून के लिए थोड़ा परेशानी होगी, सोच समझ करके आप वाहन प्रॉपर्टी संबंधी कुछ खरीदना है वो सोच समझ के काम करें। भाग्य का थोड़ा हल्का फुल्का साथ मिलेगा आपको, शिक्षा के लिए बढ़िया है, यात्राओं के लिए बढ़िया है, उच्च शिक्षा के लिए भी बढ़िया है, और व्यापार के लिए भी आपका ठीक ठाक है। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय माता दी।